प्रश्न है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल यूट्यूबर्स न्यूज़। सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोखरा इंसान एंड बिग बॉस के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली बिग बॉस के अंदर पूजा भट्ट एंड पोखरा इंसान का झगड़ा हो गया था, जिस पर पूजा भट्ट ने पोखरा इंसान को बोल दिया था कि तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है। और यहाँ पर फलकनाज ने भी बोल दिया था कि पोखरा इंसान अपने घर में भी अपनी मम्मी पापा से बदतमीजी से बात करता होगा और वो औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता है। तो मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है मैम, फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। अच्छा? मेरे को आप अपने घर में माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते होंगे ये ऊंची आवाज में। जिसके बाद फलकनाज और पूजा भट्ट को पोखरा इंसान के फैंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिली थी। पर जब फाइनली पोखरा इंसान की फैमिली ने इस पर रिप्लाई कर दिया है, इस पर उनके मम्मी पापा ने क्या रिप्लाई किया है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और परवरिश की तो क्या ही बात करूं, परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। ये मर्दों से प्यार से बात करता है ताकि पिटे ना और औरतों के सामने धौंस जमाता है, ये कहाँ की मर्दानगी है। बच्चे मेरे 26 साल के हो गए हैं, इस एज में तो बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, अपना वेल सेटल्ड है, कमा रहे हैं, फिर भी कहीं जाना होता है तो पैसे, पापा पैसे दे दो, पापा पैसे दे। सब एक बात है, जो मर्जी कमाए, जितना मर्जी कमाए, जैसा मर्जी कमाए, फाइनेंसर यही है, यही है। 500 रुपए भी नहीं दे रहे, बताओ यार पापा, मैं भी बाल कटवाने जब भी कहीं जाना होता है हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पांव छूके जाते हैं, लोग बात करते हैं संस्कारों की, पता है। एक बात रह गई थी, वो भी मैं बोलना चाहती हूँ। ये बोलते हैं ना जो कि ये ऐसे बच्चे हैं जो मदर्स डे पे अपने एक फोटो शेयर कर देते हैं। सुबह हम बात कर रहे थे ना, ये वही वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मदर्स डे पे कंटेंट के लिए मदर्स डे विश कर देते हैं, फोटो क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यार मम्मी जाने दो ना, यार करने दो ना भी। ये वो ही वाले बच्चे हैं यार। सलमान खान भी अपना मदर्स डे पे फोटो शेयर करता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी मम्मी के साथ मदर्स डे की फोटो शेयर करती है, लेकिन मेरे बच्चों ने आज तक कभी फोटो नहीं डाली मदर्स डे पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऑल डेज आर मदर्स डे, सारे दिन मदर्स डे होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए फोटो नहीं शेयर करते। भाई तो भाई, आपको क्या लगता है कि पोखरा इंसान की मम्मी पापा ने जो कुछ भी बोला है, आप लोग उससे सहमत हो या नहीं हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस, क्या ट्रिगर्ड इंसान बिग बॉस पर एक और रोस्ट वीडियो बनाने वाले हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी उन्होंने बिग बॉस पर एक रोस्ट वीडियो बनाई हुई है, पर गाइस आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने बोला है फुल एंड फाइनल, इसके बाद नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक पे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने बिग बॉस नेम से इसे सेव कर रखा है, मतलब कि वो बिग बॉस पर एक और रोस्ट वीडियो बनाने वाले हैं जो कि काफी खतरनाक होने वाली है। सो गाइस, जैसे उनकी वीडियो आती है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल पे मैं आप लोगों को ऐसे ही ब्रेक न्यूज देता रहता हूँ। सो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा।